उदाहरण सात, प्रश्न। एक 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें उस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि ऐसे वृत्त का त्रिज्याखंड है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 अंश, इसलिए त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई होगी 360 अंश गुणित 2πr। यहां पर थीटा का मान कितना है, 120 अंश बटे 360 अंश गुणित 2π का मान भी रख लेते हैं, 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे हल कर लें। हम 7 के पहाड़े से इसे काट लेते हैं, 7 × 7, 7 × 21, और यदि हम इसे 10 के से भाग दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 12/36 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 3, और ये हल हो सकता है 12 के पहाड़े से 12 × 12, 12 × 36, और 3 से इसे हल करें 3 के पहाड़े से तो 3 × 3 और 3 × 3। तो हमें प्राप्त हुआ है 2 × 22, इसका मतलब 44 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हुई 44 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र है थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई आर का वर्ग। थीटा का मान 120 अंश बटे 360 अंश गुणित पाई का मान रख लें, 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का वर्ग। इसे हल करने के लिए यदि हम इसे 10 से विभाजित करें तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 12/36 गुणित 22/7, और 21 के वर्ग को हम लिख सकते हैं 21 × 21। इसे आगे सरल करते हैं, हमें प्राप्त हुआ था 12/36 गुणित 22/7 गुणित 21 × 21। इसे हल करने के लिए 7 के पहाड़े से हम इसे काटेंगे, 7 × 7, 7 × 21, और यहाँ पर 12 के पहाड़े से 12 × 12, 12 × 36, फिर से 3 के पहाड़े से 3 × 3, और ये हुआ 3 × 3। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 22 × 21, जिसका मान हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हमें मिला है वो है 462 वर्ग सेंटीमीटर।